सामाजिक, राजनीतिक और सामान्य समाचारों के लिए देखते रहिए ईजे टीवी न्यूज लाइव। लाना चाह रही है ये जो एग्रीकल्चरल बिल जो अमेंडमेंट इन्होंने पास किया है, ये प्राइवेटाइजेशन करना चाह रहे हैं। यानी जो अडानी, अंबानी और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनको जो लोग मोदी जी की सरकार को चला रहे हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये लोगों ने प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ये काम किया है। लेकिन कांग्रेस ने, राष्ट्रवादी ने, शिवसेना ने और महाविकास आघाड़ी ने इसका बहुत ही जोर से विरोध किया है, मुकाबला किया है और ये प्राइवेटाइजेशन होने नहीं देंगे। एमएसपी के हिसाब से रेट मिलना चाहिए किसान को, उसके जो फसल है उसका एक मिनिमम रेट तय किया जाता है। लेकिन धीरे धीरे मोदी सरकार अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए एमएसपी को खत्म करने की ये कोशिश की जा रही है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी बाहर के बिजनेसमैन आएंगे, गांव के पूरे खेत के खेत कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फसल उगाएंगे और वो फसल को खरीद के अपने फैक्ट्री में, अपने कंपनी के अंदर वो बेचेंगे। लेकिन इसके अंदर बहुत से लैकुनाज है, बहुत से खामियां हैं ये बिल के अंदर, जिसकी वजह से गवर्नमेंट अपना हाथ खींचना चाह रही है। गवर्नमेंट शेतकरियों को कोई मदद नहीं करना चाह रही है। गवर्नमेंट खास तौर से नरेंद्र मोदी जी की किसानों को भाव देना नहीं चाह रही है। और भाव देने में जो प्रॉब्लम हो रहा है, इनको जो नुकसान हो रहा है, वो नुकसान को सरकार उठाना नहीं चाह रही है। इसके बरखिलाफ में ये जो लोग नीरव मोदी है और विजय माल्या है, इनको हजारों करोड़ का जो नुकसान बैंकों को हुआ है, वो नुकसान भरने के लिए तैयार है हुकूमत। लेकिन एग्रीकल्चरल और शेतकारियों को, किसानकारों को, काश्तकारों को भाव देने के लिए तैयार नहीं है। आज हम जो अनाज खा रहे हैं, आज हम जो फसल जो उगा रहे हैं, ये जो फसल और ये जो अनाज है, ये हमें शेतकारी, किसान, काश्तकार मुहैया कर रहा है। लेकिन किसान काश्तकार का कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक के सबका साथ सबका विकास बोलने वाला जो मोदी सरकार का जो नारा था, सबका विश्वास लेके चलने वाले का जो नारा था, आज वो मोदी सरकार और भाजपा की केंद्र की सरकार नाकामयाब हो चुकी है और लोगों ने इनको जलील किया है, रुसवा किया है। लाखों करोड़ों शेतकरी लोग घर बार छोड़ के सर्दी के अंदर, ठंडी के अंदर, दिल्ली के अंदर जमा है, लेकिन नरेंद्र जी मोदी सुनने को तैयार नहीं है। एक ही अल्फाज कह के मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। ये तानाशाही की हुकूमत जो चला रहे हैं, बिल वापस नहीं लेंगे, बिल तो वापस लेना पड़ेगा इंशाल्लाह इनको। और एक ही बात कहूंगा, जो तानाशाही की चाल चलेगा वो तानाशाही की मौत मरेगा इंशाल्लाह। सामाजिक, राजनीतिक और सामान्य समाचारों के लिए देखते रहिए ईजे टीवी न्यूज लाइव।